आहेत. चलिए कमेंट दिखाओ. नमस्कार, मैं विक्रम सिंह. कमेंट दिखाओ. हाँ चलिए, रोशनी, ठीक है, रोशन कुमार, सपना, राहुल कुमार, पुनीत, ठीक है बेटा, सबको गुड इवनिंग. बेटा सबको गुड इवनिंग. चलिए एक बात पूछना चाहता हूं. हाँ बेटा, हम सब सही हैं, अच्छे हैं, आप लोग बताओ. मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जीओसी से बहुत सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं कि भाई कार्बन में कौन सा संकरण होगा, कौन सा समावयता होगी. एक जरूरी बात जो है हम पूछना चाहते हैं कि आपको प्रेरणिक प्रभाव, क्या आपने इसमें प्रेरणिक प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव, एक छोटी सी बात है जिसको आपने समझा है कि नहीं, उस पे अगर आपको कोई तकलीफ है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं. इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. पहले इलेक्ट्रॉन विस्थापन, एक छोटी सी बात है. इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से विस्थापित होती है, उसका प्रभाव क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं. दीपिका प्रजापति, प्रिया शर्मा, माही, प्रीति गुप्ता, ये एक छोटी सी बात आपसे मैं कहना चाहूंगा कि हम छोटी छोटी बातों को हम अगर हम छोड़ दें तो बड़ी बातें समझ में नहीं आती. जैसे प्रेरणिक प्रभाव है, कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, ये इस पे हम थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि लाइव में बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात कर लें, है ना, क्योंकि हमने वीडियोस में तो देखा है, पर बात कर लेते हैं इन्हीं सब के बारे में. सारे आपने नोट्स भी देखे हैं, पर मैं यहां पर सीधी सीधी पे ब्लैंक पेज में मैं आपको समझाना चाहूंगा और उसके बारे में कुछ बात करना चाहूंगा. छोटी छोटी बात पे ध्यान दें बेटा. एक बात है, सबसे पहली बात कि मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी परमाणु के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, साझेदारी है. अब ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है और इस जगह पर इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि अगर ऐसी स्थिति में ए की तुलना में बी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी EN बी की अधिक है, तो अगर ए से अधिक है दोनों के बीच में साझेदारी, तो एक छोटी सी बात होती है हो गया. तो यहां पर इस बात का ध्यान देंगे कि अगर ए से बी थोड़ी सी, मतलब ए और बी की तुलना में बात करें तो बी की विद्युत ऋणात्मकता दिखी. विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता, किसी परमाणु के द्वारा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है. तो विद्युत ऋणात्मकता यहां पर किसकी अधिक है? बी की आकर्षित करने की क्षमता. तो यहां पर जो बंध वाला इलेक्ट्रॉन है ए और बी के बीच में, ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में ना होकर के थोड़ी सी शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ए से बी की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट होता है, लेकिन वो साझेदारी में ही है. ऐसा नहीं कि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन पूरा उसको दे दिया, ऐसा नहीं हुआ. अगर ऐसा होता तो बात अलग थी. तो यहां पर थोड़ी शिफ्ट होने की स्थिति को हम कहेंगे ए से थोड़ी सी शिफ्ट बी की तरफ. तो बी जो है आंशिक रूप से निगेटिव और ए जो है आंशिक रूप से पॉजिटिव. आंशिक मतलब पार्शली, थोड़ा सा वो निगेटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, उसका प्रभाव उसकी तरफ चला जाता है. ये स्थिति इसमें आती है, ये है
यहां पर इस घटना को बोलते हैं ध्रुवण, ससंयोजी बंध में ध्रुवण। और विद्युत ऋणात्मकता शब्द का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ किसी परमाणु की, परमाणु के द्वारा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता। ये छोटी छोटी बातों को अगर हम रखते हैं तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा हम काम कर लेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि ए की तुलना में बी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। अब यहां पर एक और छोटी सी बात पे हम करते हैं काम कि देखिए इसमें CH3 Cl आपस में जुड़े हुए हैं। अब आप ये जानते हो विद्युत ऋणात्मकता जो है कार्बन की तुलना में क्लोरीन में अधिक होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से किसकी तरफ थोड़ी आकर्षित हो जाएगी? क्लोरीन की तरफ। तो ये इसमें आंशिक रूप से माइनस चार्ज, इसमें आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी ध्रुवण हुआ है। तो कई जगहों पर इस तरह के ध्रुवण का प्रभाव भी हमें नजर आता है। अब इलेक्ट्रॉन विस्थापन की बात करते हैं। क्या बोला कौन है सपना? सर सरजी इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रतिस्थापित होना चाहिए ना Na। यहां पर Na वाली किसने बात किया बेटा आपसे? अच्छा चाहिए ना बोला ऐसा। अच्छा अच्छा मैंने Na में तो सोडियम समझा था। तो आपने बोला सर जी इलेक्ट्रॉन पर माइनस होना, माइनस चार्ज होता है, प्रतिस्थापित होना चाहिए। ये कोई शब्द एकदम क्लियर नहीं है जो आप सोच रहे हैं और ये मुझे बताना चाहते हैं। फिलहाल मैं आपको इन्हीं बातों में ले जाता हूं, आप इस बात को समझेंगे क्या है। इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित नहीं होती। अब इलेक्ट्रॉन किसी तरफ जा नहीं रही है ना, इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह छूट जाना ये अलग बात होता है, इस बात के बारे में हम बात करेंगे। चलिए पहले ये ध्रुवण की बात हो रही है। ये विद्युत ऋणात्मकता, दो लोग अगर इस पेन को खींच रहे हैं, एक आदमी ज्यादा ताकतवर है तो इलेक्ट्रॉन कुछ उस तरफ चला गया, लेकिन पहले वाले ने छोड़ा भी नहीं क्योंकि वो भी खींच रहा है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, लेकिन एक की अधिक है तो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, बस यही कहानी और ज्यादा कुछ नहीं इसमें। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है तो इसी वजह से वो थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? युग्म वाला, बंद वाला इलेक्ट्रॉन, युग्म वाला। चलिए अब बात करता हूं दूसरी बातें देखें। ए और बी के बीच में ऐसा होगा कि ये बंद वाला इलेक्ट्रॉन बी की तरफ पूरी तरह से चला जाए, तब की स्थिति क्या होगी? तब ये होगा कि ए का, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास है लेकिन ए का इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया। सो यहां पर क्या हुआ? बी का खुद का इलेक्ट्रॉन और एक ए का इलेक्ट्रॉन, एक ए का इलेक्ट्रॉन आने से यहां पर माइनस चार्ज, और इस पे चूंकि इलेक्ट्रॉन खुद का इसको दे दिया है इसलिए प्लस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन दान करता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये विस्थापन हो गया इस तरह का। तो कई कई तरह का विस्थापन है इसमें। अब चलें बात करते हैं तीसरी बातें क्या हो सकती है। ये भी होता है कि ए और बी के बीच में ये जो बंद वाला है, आपने इस वीडियो को देखा है कि नहीं मुझे पहले बताओ, जो मैंने यहां पर समझाया इन बातों को, वो वाली वीडियो आपने देखा है कि नहीं? अगर देखे हो तो आप अच्छे एक्सप्लेन हो जाएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा, और नहीं देखे हैं तो थोड़ा मुझे प्रयास करना पड़ेगा और जल्दी बताएंगे। दीक्षा, सपना, अरुंधति और रोशनी, क्या रोशन कुमार, ये आप मुझे बताइए। देखा है तो जब देखा है तो कोई ऐसी बातें नहीं होगी जिससे आपको तकलीफ होगी। आज उस चीज का एक परफेक्शन आ जाएगा आपके दिमाग में, है ना? इसलिए तो हम लाइव में आते हैं बीच बीच में आपसे।
नहीं अरुण अरुंधति, आपको वो वीडियो देखना चाहिए। और ये चैप्टर आप जानते हो कि जीओसी यानी कि जनरल यानी सामान्य कार्बनिक रसायन वाला चैप्टर से संबंधित है, और इसे आप जरूर देखें क्योंकि इसी से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट होने वाला है। और मैंने जब उस वीडियो को पढ़ाया, उस क्लास को पढ़ाया, उस वीडियो को बनाया, तो मैं इतना ध्यान रखा कि हर बच्चे को हर बात समझ में आनी चाहिए। बहुत सारी क्लासेस है, कम से कम 15 लेक्चर होगा उसमें, 15 से ज्यादा भी लेक्चर हो सकता है, मैं एकदम क्लियर नहीं बता पाऊंगा कि कितना है, ठीक है। तो उसको जरूर करना, उसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है और बहुत सारी चीजें समझ में आएगा, ठीक है। और देखा है बट याद नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है राहुल जी। और देखा है पर समझ नहीं आया, ये भी बहुत खराब चीज है बेटा माधुरी, कि आपको समझ में नहीं आया इसका मतलब है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। माधुरी मैं सच कह रहा हूं, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, और प्रैक्टिस किए तो छोड़ छोड़ के किए, स्किप भी किए हो, ये बात समझ में आ रही है यहाँ पे। यानी क्लास के बाद प्रैक्टिस, और उस वीडियो को दोबारा देखना है। देखो भाई, एक ऑनलाइन क्लास कैसे देखा जाता है, एक ऑफलाइन क्लास कैसे पढ़ा जाता है, दोनों में कितनी समानता है, दोनों में कितनी अंतर है, ये सबके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लगेगा। लेकिन बात यह है कि ऑनलाइन क्लास से जो वीडियो मिलती है उसको कैसे देखना है, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। कॉपी और पेन लेकर के बैठे, फिर मैं बात करूंगा बेटा। आप जो माधुरी, जो आपने कहा है, तो माधुरी मैं आपसे यही बात आपसे एक बार और पूछना चाहूंगा उसके बाद थोड़ी देर में। चलो मैं इसी पर बात करूंगा, है ना माधुरी, थोड़ी सी बात सुन लीजिए। अब बाकी सारे बच्चे सुन लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया बोल रहा है या नहीं समझे, उन बच्चों को बोलूंगा। और उस वीडियो में मैंने कई बार ये लाइन कहा है कि इस बात को अच्छे से समझो, अच्छे से सीखो, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। पहली बात, जब वीडियो करते हो या क्लास करते हो तो कॉपी और पेन लेके बैठो। अगर हम थोड़े आपसे स्पीड हो जाते हैं तो थोड़ा पॉज कर लिया करो। आप जो आपको सिखाया जा रहा है, अगर हम आगे चले गए और नई टॉपिक में चले जाते हैं, तो आप उस टॉपिक को अगर समझ रहे हो, आपको थोड़ी तकलीफ हो रही, तो थोड़ा बैक होकर के पढ़ो, लिखो जरूर। फिर उसको जब क्लास खत्म हो जाए तो वो जो आपने लिखा है, क्योंकि आप ये सोचते हो कि हमें नोट्स मिल रहा है, हमारे वो पीडीएफ मिल रहा है, इस वजह से हमें और लिखने की जरूरत नहीं है, ये सोच अगर रख रहे हो तो तकलीफ होगी, इसलिए वो भी नहीं करो। आपको अपने हाथों से लिखना है और समझना है। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपको बता दें। ठीक है, मैं बेसिक क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य कार्बनिक रसायन यानी रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन की मूलभूत अवधारणाओं वाला चैप्टर है जीओसी, जिसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस चैप्टर की बात करूं जहां पर मैंने प्रेरणिक प्रभाव पढ़ाया था, आईयूपीएसी नामकरण पढ़ाया था, सारी चीजों की बात कर रहा हूं। आइसोमेरिज्म में प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एमएस चौहान बुक के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले आप इन चीजों को एक बार, जहां पे प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक को पूरे लाइन से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करो। प्रॉब्लम आती है, इसी प्रॉब्लम से तो जूझना है। हमारा काम रहेगा कि आपको उस जगह पे ले जाए, वे टीचर आपके पूरी हर एक टॉपिक को क्लियर करे, तो मैं बता दूं एक एक चैप्टर में कई कई क्लास हो जाएंगे। इसलिए टीचर का काम होता है कि आपको उस टॉपिक तक लेकर जाना, उस टॉपिक के को एक्सप्लेन करना, और उसके बाद प्रयास आपको करना है, एग्जाम आपको दिलाना, तैयारी आपको करना है, सब कुछ तुमको करना है। हमारा काम आपको एक रास्ता दिखाना है, बस इतना ध्यान रखिए। एक टीचर का काम कभी भी नहीं होता है कि आपको रिजल्ट दिखा दे, और ऐसा भी नहीं होता ये क्वेश्चन आएगा यही आपको पढ़ना है, ये काम बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, और ना कोई कर सकता है। चलिए साहब, मुस्कान कह रही है कि क्या बात चल रही है, हमको समझ में नहीं आता। तो शुरू से देखो बेटा, बीच से समझोगे या लेट से आओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस वीडियो का शुरुआत से पढ़ो, क्या बात चल रही है। दूसरी बात माधुरी, मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या आपने ऐसे ही किया कि आपने वीडियो देखा, उसके बाद जब जरूरत पड़ती है आप उसको रोक लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें से जब जो चीजें आपको पढ़ना होता है उस वीडियो को दोबारा भी देख लेते हैं और कॉपी में नोट कर लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अगर इतना है तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए, क्योंकि यहीं पर आपकी सक्सेस समझ में आएगा उस टॉपिक पे। नहीं नहीं भाई साहब, लवली प्रजापत कह रहे हैं कि इस टॉपिक को शॉर्ट में पढ़ाया, बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा शॉर्ट में, इससे विस्तार अगर करेंगे तो आप
समझो कि अगर आपका 11th अभी आप किस में हो, 11th में हो कि 12th में, ये भी बताओ। चलो माधुरी आपने कुछ बताया नहीं बेटा मुझे। और दूसरी बात आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, आप किस क्लास में हो, क्लास 11th में हो कि 12th में हो कि 11th 12th निकाल चुके ड्रॉपर में हो, क्या हो बताओ। जल्दी बताइए, हाँ जी, दोबारा नहीं देखा, जब भी तभी पढ़ा था जब आपने पढ़ाया था, यही गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। माधुरी ड्रॉपर है, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन एक ही बात चैट करना ना, अपने अपने बात में बताना, सब में 12th में सभी अपना अपना बता दो, मैं देखना चाहता हूं ताकि मैं इस बारे में कुछ कंक्लूजन निकाल सकूं। देखो माधुरी, आपने जो बोला ना कि वो सब समझ में नहीं आता, इसका रीजन है कि जब ये क्लास चल रहा हो ना तो आप उस टाइम पे नहीं समझ पाएंगे उस चीज को, दोबारा आपको एक बार करना होगा, क्योंकि उस टाइम एक्चुअली ये होता क्या है, 11th और 12th में इन चीजों पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया। सारे बच्चे 12th वाले को बताना चाहूंगा, जब आपने पढ़ाया था तब अच्छे से समझ भी आया था, वही तो कह रहा हूं, आप अभी बोल रहे हो कि समझ में आया था, पहले बोले आपने मुझे समझ में नहीं आया था, ये बात बहुत कंफ्यूजिंग है आपके लिए। तो जब हमने पढ़ाया था उस समय समझ में आया था तो बाद में क्यों कहां गया, क्योंकि आप वो चीजें छोड़ दी, मतलब ये है कि हमने अपनी तरफ से अपना प्रयास किया था वो एकदम क्लियर था, लेकिन अगले दिन की क्लास, अगर मैं आज लेक्चर नंबर 5 पढ़ा रहा हूं मान लो, तो लेक्चर नंबर 6 समझने के लिए लेक्चर नंबर 5 को परफेक्ट होना पड़ेगा आपकी समझ, क्योंकि नीट की एग्जाम दिला रहे भाई, नीट की तैयारी कर रहे हो, 11th और 12th की तैयारी नहीं कर रहे हो। अगर आप हल्के में ले लोगे अपनी तैयारी को, अपनी मेहनत को हल्के में ले लोगे, तो कल के डेट में आप परेशानी में पड़ जाओगे। राहुल कुमार कह रहे हैं कि सर डाउट, सर मैं पहले वीडियो देख लेते हैं फिर टीचर स्लाइड से नोट करते हैं, राइट है ना? नहीं, ऐसा राइट नहीं है, आप देखते हैं फिर स्लाइड से नोट करते हैं। मैं यहां पर स्लाइड से नोट करने पर कभी भी आप सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने टीचर ने जब समझाया और सिखाया उस टाइम उसको आपने देखा ही नहीं, उस चीज को आपने कॉपी किया ही नहीं, तो कभी भी नहीं सीख सकता। जैसे मैंने यहां पर बताया आपको कि ये बंद वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ए प्लस बना, बी माइनस बना। अब इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब है कि ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये युग्म है, ये बंधे इलेक्ट्रॉन है, जो इनके साथ भी बॉन्डेड है, इसके साथ भी बॉन्डेड है, जिसको हम इस तरह भी लिखते हैं। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब पढ़े हो, जिस टाइम मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था आपको, उस टाइम आपको इस बात पर ध्यान ना, केमिकल बॉन्डिंग देखो भाई, पहली बात है चैप्टर नंबर 3 यानी कि क्या बोलते हैं उस चैप्टर को, मैं नाम देते हैं हम लोग तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तता। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद आप जाते हो चैप्टर नंबर 4 यानी कि आप केमिकल बॉन्डिंग में, तो वो केमिकल बॉन्डिंग बेहतर होगा, अब दोनों चैप्टर अच्छा होगा। अब ये दो चैप्टर के अधिक अच्छे होने से आपका ये चैप्टर, ये वाली चैप्टर अच्छी हो सकती है। तो ये पूरा लिंक है पढ़ाई का, अगर आपने इस चैप्टर से स्टार्ट किया हो और ये पीछे दो चैप्टर मैंने बोला उसको नहीं किया हो, तो फिर ये चैप्टर आपको कभी भी क्लियर नहीं होगी। हाँ जी माधुरी कह रही हैं कि जब आप पढ़ाते हो तो नोट बनता है, वेरी गुड। लवली कह रहे हैं कि सर मैंने आपकी वीडियो 1 से 2 बार देखती हैं और एक ही टॉपिक कि फिर भी सर समझे क्या लिखे, मुझसे आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन नहीं बनते। बेटा क्वेश्चन नहीं बनते वो अलग पार्ट है, अगर आप आइसोमेरिज्म समझ पा रहे हो कि नहीं ये पहले समझना। चलो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, फिर आपके लाइव क्लास आएगी किसी दिन, तो मैं उस दिन आपसे इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। आज मैं इस टॉपिक को लेकर नहीं चल रहा हूं, आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक नहीं है ये वाली टॉपिक, चले इस टॉपिक को पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? इस टॉपिक की बात करें, इसी टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है मुस्कान, वैसा कुछ नहीं जरूरी है, आपको थ्योरी इसलिए लिखा जाता है कि बाद में अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हो, और इसका यही मतलब नहीं कि आपको कॉपी करना है, सीखना है इसके लिए। चलिए प्रतिभा यादव, देखो बेटा वही बात कर रहा हूं बार बार, एक ही बात को बार बार आप कह रही हो तो वो अच्छी बात नहीं, मैंने समझा दिया कि कैसे पढ़ना है,
आपने कुछ गलती किया हो तो दोबारा आप अच्छे से करिए। हाँ प्रतिभा यादव, जो मैंने अभी बताया वही बात आप दोबारा नहीं कहूंगा, है ना। लवली प्रजापति, ओके। और कोई? ठीक ठीक है, अब चलो आगे बढ़े। ये क्या है, ये क्या है, ये वो, ये है, ये क्या है, यही है। अब यहां पर हो क्या रहा है, आप जानते हो कि ए का एक इलेक्ट्रॉन ये जो था, बी का एक इलेक्ट्रॉन, यही तो साझेदारी किया था अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो ये है। अब क्या होगा कि अभी कोई किसी पर कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि ये इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक ही मतलब है। ऐसे दर्शाना, ऐसे दर्शाना, ऐसे दर्शाना, एक ही मतलब है। तब क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, ए बी, बी का इलेक्ट्रॉन, ए का इलेक्ट्रॉन चला गया है बी पर और इस तरह से, तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। यही समझा रहा हूं मैं आपको, ए पॉजिटिव प्लस बी पर इलेक्ट्रॉन आ गया, ये युग्म दोनों आ गया, माइनस चार्ज। ये बातें जो इलेक्ट्रॉन विस्थापन संबंधित है उसके बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है अरुंधति, बहुत अच्छी बात है बेटा, एग्जाम जरूर दिलाइएगा और अच्छा जाएगा, बस थोड़ा सा धीरज रखिएगा और घबराइएगा मत, कोई जरूरी नहीं है घबराना, है ना। हमने जो मेहनत किया उसी का फल मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जो मेहनत हमारा है और उस मेहनत में हमने कितना अपने आप को तैयार किया उस पे है बस। चलिए ए ए बी, अब ऐसा हुआ, अब यहां पर समझो कि इसका मतलब समझ में आया जो मैंने यहां पर बताया। यहां पर क्या है भाई, ये इधर एक इलेक्ट्रॉन और ये देखो ये बंद जो है, उस बंद का इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन ए का ए के पास चला गया, बी बी के पास चला गया, तो ए के पास चला गया और ये बी बी के पास चला गया। ये दोनों ही कहलाएगा मुक्त मूलक। ये क्या है, मुक्त मूलक। तो इस तरह से बंद का टूटना ये कहलाता है हेटरोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन, यानी विषमांगी विषमांश बंद विखंडन। और ये कहलाता है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये दो प्रकार का बंध, ये इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से घटना, हमने एक घटना देखा कि इलेक्ट्रॉन का आंशिक विस्थापन, इसको हम कह सकते हैं ध्रुवण हुआ। इलेक्ट्रॉन का यहां पर जो विस्थापन हुआ कैसा हुआ, आंशिक विस्थापन हुआ। यहां पर क्या हुआ, पूर्ण विस्थापन हुआ, और यहां पर बराबर विस्थापन हुआ, इलेक्ट्रॉन का बराबर से टूटना हुआ। बंध का एक तरफ शिफ्टिंग, एक तरफ बॉन्ड फ्यूजन हुआ, असमांग रूप से, विषमांग रूप से, और एक में समांगी रूप से। अब जरा समझो इन बातों का हम कई अलग अलग तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ए और बी दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इस स्थिति में अगर ये एक बॉन्ड, यहां पर दो बॉन्ड नहीं जा रहा भाई, एक बॉन्ड जा रहा है, तो यहां पर एक बॉन्ड के टूटना, तो एक बॉन्ड तो रहेगा परंतु एक बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म बी पर आ जाएगा और ये माइनस चार्ज और यहां पर प्लस चार्ज। इस पे आपने कितनी प्रैक्टिस किए हैं उस टाइम जो मैंने पढ़ाया था, अगर यहां पर रुक करके आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो भागो इतना मत कि जो कर रहे वो छूट जाए। बिल्कुल पार्टी में होता है ना कि एक खाना आप निकाल रहे हो जो आपको पसंद है, फिर पता चला उधर और कुछ और अच्छी चीज रखी हुई है, तो यार इसको पहले निकाल लो, अच्छे से खा लो, फिर उसमें चले जाना। ये भी ठीक नसीब नहीं होता, वो भी ठीक नसीब नहीं होता, और ऐसे दौड़ने लग जाते हैं। वैसी स्थिति पढ़ाई में नहीं चलती है, तो पढ़ाई में ये काम ना करें। तो यहां पर ये सब भले लिखा गया है लेकिन दो बंद का कभी शिफ्टिंग नहीं दिखाया जाएगा। अगली बातें, ए डबल बॉन्ड बी और सिंगल बॉन्ड सी है, तो क्या हुआ, ये बंद वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब हुआ ये डबल बॉन्ड इस जगह पर डबल बॉन्ड बनेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें से
ऐसा कुछ है, जरा समझें। इसी बात को तो समझना है बेटा, हम भी पढ़ाई किए हैं, हमें भी तकलीफ हुई थी जमाने में। ये ऐसा है ना, इस जगह बंद, तो अगर हमने ऐसा कहा है तो इसका मतलब ये हुआ, ये बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया कार्बन पर, सी पर। तो ए से इलेक्ट्रॉन गया है और सी पर इलेक्ट्रॉन आया है, अब दोनों पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया और ये दोनों इस तरह का बॉन्ड बना लेगा। तो क्या हुआ यहां पर देखिए, ए प्लस सिंगल बॉन्ड, बी डबल बॉन्ड सी, परंतु इस पे माइनस चार्ज। ये प्रैक्टिस करना भाई, हमारे हाथों में, आपको बताना जितना हो सके क्लियर करके बताना, पर याद रखना वहीं पर स्टे नहीं होना है हमको। बिल्कुल श्रेया कुमारी सही बोल रहे हो, ये टॉपिक बहुत मजेदार है। अब ये तो हो गया, इसी के आधार पर हम क्या बोलते हैं, अनुनाद पढ़ते हैं, अरे बहुत सारी चीज पढ़ते हैं, छोड़ना अभी लिस्ट बनाने में क्या मजा, अभी तो पढ़ के चलते हैं। ये हुआ, ये घटना समझ में आ गया, तो ये जैसे हुआ इसको मैं हटा देता हूं, क्या मतलब इस रखो रखने से, बात समझने के लिए हमने बनाया था इसको। इसी तरह से अगर हम ये कहते हैं, ऐसा है कि ए पर इलेक्ट्रॉन युग्म है और ये सिंगल बॉन्ड है बी के साथ जुड़ा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इस जगह पर मान लेते हैं, देखो किधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्यों जाएगा, वो तो प्रभाव वाला प्रभाव बताएगा, प्रेरणिक प्रभाव बताएगा, मेसोमेरिक प्रभाव बताएगा, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव बताएगा किधर जाएगा। लेकिन यहां पर अगर ऐसा हो रहा है तो कैसी स्थिति आएगी, ये सोचते हैं बस। अगर ये इधर शिफ्ट हो गया तो क्या हुआ, ए बी इलेक्ट्रॉन युग्म इस जगह पर जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ए का इलेक्ट्रॉन एक रह गया, एक यहां पर चला गया, यहां से गया इसलिए प्लस चार्ज, यहां पर आया इसलिए माइनस चार्ज, इन दोनों में ये बन गया, मतलब हम लिख सकते हैं ए डबल बॉन्ड बी बन गया प्लस माइनस, इसका वो परिणाम हुआ। ए पर यदि ये इलेक्ट्रॉन युग्म है और माइनस चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है बी, अब ये कह रहा हूं मैं कि ये वाला बंद वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया, इसका मतलब हुआ कि ये बी हो गया, इसका जाना इलेक्ट्रॉन युग्म का जाना मतलब ये हुआ, बी पर माइनस चार्ज आया और ए पर माइनस चार्ज पहले था, अब माइनस पर एक प्लस आएगा, मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल जीरो, यानी कि जीरो हो गया। कौन सा बैच में बोले, हासिल बैच है कि हौसला, कोई बैच नहीं, मुझे नहीं पता हौसला बैच है, कौन बोल रहे हैं, महेंद्र रेकर। देखो बेटा ये सब बात मुझसे अगर करोगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी, और ऐसी बात हमारे लिए किसी, हौसला हौसला बैच कहां पे है, होगा मुझे नहीं पता, और ये सब बात यहां पे करोगे तो मैं पढ़ाऊंगी, ये सब बात करूं बताओ, ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे संबंधित नहीं है बात, है ना, ये संबंधित है, आप जो कॉल करते हो ना जिनसे, उनसे बात करो, ये सब बातें, ये मेरे संबंधित है पढ़ाई वाली बात। नहीं यहां पे अनुनाद नहीं हो रहा है, अनुनाद अभी नहीं पढ़ा रहे, अनुनाद एक आगे इफेक्ट में आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, बस ये बता रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह शिफ्ट हुआ तो क्या स्थिति आएगी, वो समझना जरूरी है। आप इलेक्ट्रॉन उधर कर रहे हो, उधर कर रहे हो, क्या हो रहा है ये पता नहीं, तो ये समझाने के लिए ये बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या दिखता है। अभी इफेक्ट नहीं पड़ रहे बेटा, अभी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, राहुल जी क्या ना, रोशन ठीक है, ठीक चले। तो ऐसे कुछ चीजें हैं हमारे पास, तो ऐसे बहुत सारी और भी चीजें पढ़ाया था, उस पर आप काम कर लीजिए। अब मैं बात करता हूं, ये मैं बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह शिफ्ट हो रहा है तो क्या स्थितियां आ सकती हैं, ऐसी स्थितियों के बारे में हम समझना शुरू करें कि इलेक्ट्रॉन के विस्थापन को हम करें तो कहां पर प्लस आएगा, कहां पर माइनस आएगा, कहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म का आना होगा, कहां से इलेक्ट्रॉन युग्म का निकलना होगा, कहां पर, ये सारी चीजों को हम अगर ऐसे छोटे मोटे प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो हमें कुछ बातें समझ में आ जाती है। माही सर हम पहले के क्या चैप्टर भूलते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा रिवीजन में,
अगर आप पहले के चैप्टर भूल रहे हो तो रिवीजन करो, और अगर आप रिवीजन नहीं करो, अगर आप देखो बेटा भूलना हमारा काम है पढ़ाना, हमने अपना फर्ज निभाया, आपके दिमाग में रख सकते हो कि नहीं रख सकते वो तुम्हारा काम है, एकदम क्लियर कट बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसे याद रखा जा सकता है कई रिवीजन करके, अगर आज आपने पढ़ा सोमवार को, मान लेते हैं सोमवार, आज तो सैटरडे, सोमवार को आपने पढ़ा कोई चीज, तो मंगलवार को एक बार उसे जरूर देख लो, यानी 24 घंटे के अंदर एक बार जरूर देख लो। मैंने एक दिन और बताया था, यही बात कहा था, आप लोगों ने सुना नहीं। मैंने देखो भाई, आप हर लाइव में नहीं आते, हर क्लास में नहीं आते, एक दिन आते एक दिन नहीं आते, तो हमारे पास आपसे बात भी करते हैं ना कुछ भी, तो वो बर्बाद चला जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखो, आप रोज आते, हर बार आते, हर लाइव के टाइम पे मिलते, तो ऐसा लगता है कि भाई बच्चा सुनने वाला बैठा है और उससे हम बात कर रहे हैं तो अच्छा रहता है। सर वन शॉट रिवीजन, वे वन शॉट रिवीजन में तो बैठेगा नहीं बेटा, अभी वन शॉट रिवीजन, पहले आप एक रिवीजन कर लो तब वन शॉट रिवीजन करेंगे। रिवीजन, वन शॉट रिवीजन का इफेक्ट, तुम लोग सब दुनिया भर को, दुनिया को देख करके तुम वो करने के लिए बोलते हो, जैसे उसने एक आदमी बोले कि भाई हिमालय से कूदा और जमीन पे आ गया बढ़िया मस्त, पैराशूट से कूदा जमीन पे आ गया, हम भी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। दूसरे को कॉपी करोगे हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, कॉपी नहीं, पहले उस चीज को सीखो। क्या कह रहा हूं, अगर वन शॉट रिवीजन वही बच्चा सीख सकता है, मैं हाँ सही है कि गलत बताना मुझे, वन शॉट रिवीजन वही बच्चा सीख सकता है, समझ सकता है, जो बच्चा पहले कोर्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया हो और सेल्फ एक बार रिवीजन किया हो या दो बार रिवीजन को, वही वन शॉट रिवीजन को समझ सकता है। क्या सही बोलो कि गलत, ये बताओ मुझे। माधुरी फिंगर टिप से भी करो, क्वेश्चन हमेशा नया करते रहो ताकि आपको आइडिया रहे कि क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकते हैं। हर बार तकलीफ होगी और उस तकलीफ से गुजरना ही प्रैक्टिस होता है, पढ़ाई होता है। ठीक है, चले तो वन शॉट रिवीजन के लिए तैयार हो जा। जब मैं वन शॉट रिवीजन तैयारी कराऊंगा ना, पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम आप लोगों का एक दो रिवीजन सेल्फ हो जाना चाहिए। जब होगा वन शॉट रिवीजन तब आप ध्यान रखिएगा। वन शॉट रिवीजन के टाइम ये नहीं होना चाहिए सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो समझ, वो उस टाइम कोई किसी का नहीं सुनेंगे। ध्यान रखिए, हम कोई नहीं सुनने वाले कि आपको मुझे समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यार बोले निको यहां से बोल देंगे। ठीक है, ध्यान रखोगे उस टाइम आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। सर ये सर आप सही बोल रहे हैं, ठीक है, डिटेल लेक्चर ना देखो वन शॉट समझ नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आएगा। कौन कौन बेवकूफ है जो समझा पाएगा, मैं तो बेवकूफी कहूंगा उस आदमी को जो बच्चा नहीं पढ़ पाया। अच्छा उस बच्चे को बोलूंगा जो उन्होंने कभी साल भर नहीं पढ़ा, वन शॉट रिवीजन पे रहते हैं। आप देखो एक बात ध्यान रखना, 12th का एग्जाम होता है, उससे पहले एक महीने पहले से जो YouTube में लोग क्या कर रहे थे, वन शॉट रिवीजन चलाते हैं। आपने 11th में भी देखा था कि 11th के एग्जाम के टाइम में बहुत लोग YouTube पे वो चलाए थे, वन शॉट रिवीजन चलाते हैं। जब आप वन शॉट रिवीजन में जाते हो तो कितना समझ में आता है भाई आपको, कुछ नहीं आता है। वो आप डर के मारे वन शॉट रिवीजन पढ़ देखते हो कि भाई कुछ तो आएगा, कुछ तो एग्जाम में आएगा, उसको लिखेंगे पास हो जाएंगे, कभी नहीं। वो आपका पढ़ाई जो है जीरो चला जाता है। वो बोले कि फिंगर टिप लेना जरूरी है क्या, बेटा ले लो ना, कितना पैसा लगेगा, 600 रुपया लगेगा। कोई चीज आपके पास होना कोई गलत है क्या? मेरे पास तो 3 कार्ड है, 2 कार्ड मेरे पास है और बच्चे के पास अलग से, तो 2-3 सब चलाता हूं मैं ही करता हूं। क्यों मतलब है, मेरे पास पेन इतने सारे हैं, मेरे पास कॉपी इतनी सारी, एक ही लेक्चर के बहुत सारे बुक्स है, मैं क्या करता हूं ऐसे बोल। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कोई चीज एक्स्ट्रा रहने से कोई लॉस नहीं है। और बोले सर पैसा, पैसा देखो बेटा आप किस लिए खर्चा करते हो किसी चीज के, किस लिए पैसा आता है आपके घर में? एक एजुकेशन के लिए, एक स्वास्थ्य के लिए, एक भोजन के लिए और एक आनंद के लिए, कपड़े लत्ते के लिए। ठीक है, चलिए 900 रुपए लगेंगे, कहां से 900 रुपए लगेंगे मुस्कान? हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट का पूरा मिला के ना, ठीक है ना, तो क्या है 300 रुपए है, अच्छा जो भी होगा मुझे नहीं पता एकदम क्लियर, मेरे पास है तो 600 का है मेरे पास।
क्योंकि मुझे केमिस्ट्री लेना है ना, 11th और 12th पार्ट का दोनों मिला करके, तो मैं 600 में मैंने लिया है, ठीक है, तो इसलिए, क्योंकि हर साल हम रिन्यू कर लेते हैं, जो नया आता है उसको खरीद लेते हैं हर बार। चलिए बेटा, बस वही वही बात मत करो राहुल, जो बात हो गई है ना, तो चलिए राहुल न्यूमेरिकल वाली बात कर रहा हूं ना बेटा, मैं जैसे जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उस पे मैं तुमको न्यूमेरिकल कराऊंगा ना बेटा, इसमें न्यूमेरिकल तो है नहीं है, तो जो मेरा टॉपिक है मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा मेन काम कहां पे है आपके लिए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको ध्यान रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बेहतर बनाऊंगा मैं कह रहा हूं ना, तो उस पर आप ध्यान दो ना। चलो ठीक है, हर एक 900 रुपये की है फिंगर टिप्स उसका, अब मैं नहीं पता बेटा मेरे को है ना इसके बारे में, मुझे 600 में मिला है तो मैं उतना ही बता सकता हूँ, ठीक है, 1500 रुपये हमारी तीनों बुक, ये देखो दीपिका प्रजापति कह रही है, चलो बेटा ये सब बात करने का है क्या, पढ़े आगे। एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ जरा सुनो, आपको ये बताना है कि भाई अम्ल किसे कहते हैं, चलो बताओ अम्ल क्या है, एसिड क्या, क्योंकि यहीं पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, छोटी सी बात बता दो मुझे, अम्ल क्या है, तुम लोग क्या समझते हो अम्ल किसे कहते हो, आप किसे समझते हो, जो भी समझते हो बता दो, बस एक छोटा सा कुछ पूछ रहा हूं, फिर उसके बाद मैं एक टॉपिक में अपने टॉपिक में जाऊंगा, बोलो ना अच्छा लगता है, आप लोग बोलते हो मासूम से बच्चों, कभी हम डांटते भी हैं आपके भले के लिए और कभी आपसे हम डांट खाते हैं, शायद हमारा भला होता होगा उससे, है ना। चलो माही सर, हम पहले के चैप्टर भूलते जा रहे, मैंने बोला ना बेटा आप रिवीजन करो ना, तो समझ नहीं क्या लिखे, भूलते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है रिवीजन टाइम पर, बेटा एक है कि रिवीजन सैटरडे संडे सैटरडे के आसपास किया करो हर हफ्ते, तो अच्छा हो जाएगा, पीएच 7 से कम, एच प्लस का दान करता है, वेरी गुड बेटा वेरी गुड राहुल, और एच प्लस का दान करने वाला सही है, तो आप लोगों ने सही जवाब दिया है कि एच प्लस जो पदार्थ दान करता है उसे अम्ल कहते हैं, बस इतनी ही बात है, एच प्लस दाता, एच सी एल साफ गंदा लिखा गया, मैं साफ लिख देता हूं, HCl H प्लस दान करता है इसलिए वो पानी में घोलेंगे किसी पदार्थ को, H प्लस दान करता है वो अम्ल है, ये अम्ल है, H2SO4 ये क्या होगा, H प्लस दान करेगा HSO4 माइनस बनेगा, ये अम्ल है, इसी तरह से CH3COOH टूट जाएगा, यहां से H दान कर देता है तो CH3COO-H+, तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये अम्ल है, तो आप समझ जाओ कि RCOOH एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये अपना क्या करता है COO- और H+ दान करता है, तो ये H+ दाता है, यहां से कैसे दान होगा, R C डबल बॉन्ड O O इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, तो ये यहां का इलेक्ट्रॉन इस जगह पे शिफ्ट करता है, इसलिए तो ये O और O माइनस और इधर से बन गया है H प्लस, तो ये क्या है अम्ल है, इन्होंने दान इस जगह का बंद वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया लेकिन इधर जाने का कारण इस जगह पे छुपा हुआ है, इन्हीं बातों का को समझेंगे हम आगे जा करके, आप सबको अगर मैं कहूं कुछ बात तो क्या आप करोगे, यदि आप हां कहते हो तो कराऊंगा मैं आपको, बट किसी तत्व या यौगिक को देखने पर कैसे पता चलता है चलेगा कि ये एसिड है, मैंने कहा ना जिसके पास देखो ये H है दान करा, यहां पे H और Cl के बीच में बंद है और ये इस तरह से ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो ये H प्लस हो जाएगा Cl माइनस हो जाएगा, तो ये दाता हुआ कि नहीं बेटा, ऐसा यौगिक जिनमें OH होता है वो अम्ल होता है, जैसे H2SO4 में क्या देखोगे, देखो तो S डबल बॉन्ड O O H, ये सब स्ट्रक्चरल संरचना सूत्र बनाने में मैंने आपको सिखाया केमिकल बॉन्डिंग में,
आप लोगों ने कहा है कि अगली लाइव जो क्लास आएगी मेरे लिए आपके लिए होगी, पर आपको एक काम करना होगा। ये जो जीओसी वाला चैप्टर है ना, कार्बनिक रसायन वाला, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था प्रेरणिक प्रभाव, ये सब पढ़ाया था ना, उसको बढ़िया सा प्रैक्टिस करके आ जाना। बोले सर समय नहीं निकलता। कैसे भी करके आ जाना भाई। मैं भाई बहनों दोनों, बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, अगर ये कर लोगे ना, मैं बताता हूं आपको एक एक चीजें, प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ये ऐसे एक बार रिवीजन करा दूंगा ना बढ़िया। आप एक बार करके आओगे तब मैं रिवीजन करा पाऊंगा भाई, क्योंकि आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा तो मेरा पढ़ाना भी काम नहीं करेगा। दवाई का असर तब होता है जब आपके मन में होता है उस दवाई को ग्रहण करके आप सही करना चाहते हो। ये बोलते हैं ना डॉक्टर लोग, आप जब दवाई खा रहे हो तो आपके मन में ही नहीं ठीक, डॉक्टर बजाओ मैं ठीक ही नहीं हो रहा डॉक्टर, ठीक वैसा नहीं बेटा, आप पहले खा लो आराम से, दो दिन वेट करो फिर आप ठीक हो जाओगे, यही बोलते हैं ना डॉक्टर, इसीलिए बोलते हैं सर, इसीलिए बोलते हैं वो। तो ये जो है, तो यहां पर आप देख रहे हो ओएच, ओएच है, इसीलिए क्या होता है इस जगह पर, तो ये OH है, OH है। अगर OH अधातु के साथ जुड़ा है तो वो अम्ल है। मेरी बात समझोगे ना, मैं जो यहां पर बोलूंगा बेटा, OH अगर अधातु के साथ जुड़ा है तो वो ये पदार्थ क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, H प्लस O माइनस अधातु बनाएगा, इसीलिए अम्ल है। अगर OH धातु के साथ जुड़ा है, OH किसके साथ जुड़ा है, धातु के साथ जुड़ा है, तो धातु वाला भाग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और OH माइनस के रूप में निकल जाएगा, तो ये क्षार है। आपने पूछा था मुझसे कि अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे, तो याद रखना अगर OH है किसी भी पदार्थ में और वो धातु के साथ जुड़ा है OH, जैसे एग्जाम्पल देखो NaOH, NaOH, NaOH में एने क्या, अब ये धातु अधातु उपधातु क्या है बेटा, मैं कितने बार पढ़ा चुका हूं यार सही में, तो पहले तो पढ़ना सीखो भाई, तभी हम जाके आगे बात करें, इसलिए बोलते पहले पढ़ लो आप, नेक्स्ट सैटरडे आएंगे ना। देखो बेटा मेरा काम है, मैं वादा करूंगा आऊंगा भाई, पूरा सिस्टम रहता है कि कौन किस टाइम आ रहा है, हो सकता है मैं आऊं, चांस पूरा है मेरे आने का 7 बजे शाम को, ठीक है। तो मैं आऊंगा तो मैं बोलूंगा आप लोगों क्या, प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, ये दो को अच्छे से पढ़ के एक बार आ जाना अच्छे से, और नहीं भी आऊं तो बेटा क्या फर्क पड़ता है, आपको पढ़ के आएंगे ना आप लोग, और जो आएंगे वो उस चीज को समझा देंगे, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आऊं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, ठीक। तो ये NaOH, तो Na क्या हुआ, Na प्लस बनाया और OH माइनस बनाया, लेकिन यहां पर आप बोलोगे सर ये कैसे, तो भाई मैं आपको इसका एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं, इसका एग्जाम्पल जैसे देखो एच ओ एस ओ एच और ये देखो डबल बॉन्ड ओ और ये एच टू एस ओ फोर में ऐसा कुछ है कि इस जगह पर ये टूटेगा कैसे, यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा ये इस तरह से, तो एच प्लस बना और O माइनस ये होगा, तो यहां पर ये अम्ल है। तो ध्यान रखिएगा OH किसके साथ जुड़ा है, इस तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मुस्कान, दीक्षा, रोशन, अच्छा लगा बेटा आप लोगों के साथ आज रह गए, और इसी तरह से आप हमारे साथ रहिएगा। और क्या बोला है राहुल ने, सर आप एक बार बता दीजिए देंगे कि अगले सैटरडे को कौन से चैप्टर, मैं यही बता रहा हूं ना, इसी चैप्टर पे काम करूंगा, क्योंकि मुझे आपको प्रेरणिक प्रभाव को एकदम डीप में पढ़ाना है, मेसोमेरिक प्रभाव जिसको अनुनाद प्रभाव कहते हैं, और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जितना हो सके, ऐसा नहीं कि हाय हाय करके अपन पढ़ाएंगे यार सबको, इतना फास्ट नहीं, मैं जो समझाऊंगा एकदम डीप में समझाऊंगा, तो हम प्रेरणिक प्रभाव को बहुत अच्छे से पढ़ के आना है, और उसके अनुप्रयोग यानी अम्ल की अम्लीता क्यों बढ़ रही है इस सब के बारे में जीओसी को पढ़ाएंगे, है ना, तो इसमें ये वाली बात करेंगे। तो आप तैयार हैं, मैं 7 बजे आऊंगा कि मैं 4 बजे आऊंगा उस दिन, वो आपको शायद सूचना मिल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा मेरे क्लास का, तो आप एक बार करिएगा,
और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरे क्लास में आए और बहुत अच्छे से बात करते, पॉजिटिव बात किए, अच्छा लगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा, मेरी क्लास को देख के आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा बात करने में और मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई मैंने पढ़ाया है बच्चों में, फायदा हो रहा है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई में एक ही फायदा है कि आपके पास वीडियो रह जाती है, जब चाहे आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से देखेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो ये लाइव जो होता है उसमें हम कुछ मजा लेंगे। ओके, तो आज की बातें यहीं पे समाप्त कर दें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।